एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में हमने जो कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाया है, उस कस्टमर हायरिंग सेंटर में बहुत से यंग ग्रेजुएट लड़के जो इवन मैनेजमेंट किए हुए हैं, IIT किए हुए हैं, वो इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं और कस्टमर हायरिंग सेंटर को डेवलप कर रहे हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि किसान जो है वो जो पुराना किसान था, अनपढ़ था, उसको नॉलेज नहीं थी, लेकिन एग्रीकल्चर का जो खेती है बहुत टेक्निकल हो गई है आजकल, और उस टेक्निकलिटी को जानने के लिए पढ़ा लिखा फार्मर ही उसको चला सकता है इफ़ेक्टिवली और उसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। इसलिए अब यंग बच्चों का खेती की तरफ रुझान होना ज़रूरी भी है और कुछ लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारी खेती जो है यंग ग्रेजुएट ही करेंगे और यंग ऐसे लड़के करेंगे जो टेक्निकल स्किल हैं, और टेक्निकल स्किल को बढ़ाने के लिए हमने 12 एक क्वालिटी प्रोग्राम्स बनाए हैं, और उसमें जो जो 10th क्लास लड़के हैं उनको हम वो ट्रेनिंग देके एग्रीकल्चर में टेक्नीशियन के एरिया में बढ़ाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट में बढ़ाना चाहते हैं, नए इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है, हमारे चारों FMTTI में ये स्कीम है, प्लस बाकी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी बहुत सी स्कीम है जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे एम्फेसिस है, और जिसका सारा खर्चा जो है भारत सरकार वहन कर रही है। सर, अगर हम एग्री मशीनरी की बात करें तो हमारे इंडिया में अभी तक उतनी मतलब विस्तार नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा इसका इसमें जो टेक्नोलॉजी में सुधार नहीं हुआ है, तो हम बाहर की जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में ला के किस तरीके से खेती को सुधार कर, मैकेनाइजेशन को ठीक कर। बाहर की कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है, बाहर जो मशीनें हैं वो साइज़ में बड़ा है, हमारी जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी है, तो छोटी खेती के लिए हमको छोटे इक्विपमेंट पर जोर दिया जा रहा है, और जो हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं जो विदेशी कंपनियों से उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे इंडियन कंडीशन के लिए छोटी मशीनों को ला रहे हैं, और ये छोटी मशीनरी की कॉस्ट कम होगी और ये छोटी जोत के लिए आसानी से खेती करने के योग होगी।